छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले से पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की पुरानी नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि इन सभी पुरानी नकदी को नए नोटों में बदलने की कोशिश की जा रही थी। आपको बता दें कि नोट बंदी के बाद से नक्सल के लोग और आतंकवाद या फिर काले धन से संबंधित लोग पुरानी नकदी को नई नकदी में बदलने की कवायद शुरू कर चुके थे। ऐसे में कई जगह पर छापेमारी भी की गई थी। अब हाल ही में पुलिस ने बस्तर से 1.5 करोड़ रुपए की पुरानी नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि इस पुरानी नकदी को नए नोटों से बदलने की कोशिश की जा रही थी। आपको बता दें कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए थे। इसके बाद ये कहा जा रहा था कि इन नोटों की बंदी का आतंकवाद, नक्सल, काले धन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। गौरतलब है कि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 दिन का समय मांगा था कि 50 दिन बाद नकदी की समस्या का समाधान मिल जाएगा, और अब 50 दिन पूरे होने के बाद 31 दिसंबर को एक बार फिर से वो देश को संबोधित करेंगे।